आ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हाँ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अरे हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा कभी। हाँ हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे। ये मेरी प्रार्थना है आपसे कि तुम्हारा प्यार न रूठे और कभी घर द्वार तुम्हारा प्यार न रूठे। गीत गाया बिल्कुल उसी के मिलती जुलती का ट्विस्ट में दे रहा हूं और सुनिएगा। और मुझे विश्वास है कि इस कट पीस पर आप लोगों की एक बार तालियां जरूर मिलेंगी। एक पत्नी अपने पति के द्वारा लगातार सताई जा रही है, लगातार उस पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको धन उसको दहेज में ज्यादा नहीं दे पाया। वो अत्याचार हो रहे हैं। तब एक दिन मरणासन्न अवस्था में अपने पति से कह रही है क्या कि सात वचन सात वचन दे करके सजना, सात वचन दे करके सजना लगा के फेरे साथ। अरे सात वचन दे करके सजना लगा के फेरे साथ। अब सात माह भी निभा ना पाए सात जन्म का सात वचन दे करके सजना लगा के फेरे साथ। अब सात माह भी निभा ना पाए सात जन्म का साथ। कभी गई कोख में मारी और कभी ससुराल में मारी। कभी गई कोख में मारी कभी ससुराल में मारी। ओ कभी गई कोख में मारी कभी ससुराल में मारी। सात माह भी निभा ना पाए सात जन्म का साथ। भाई सात माह भी निभा न पाए सात जन्म का साथ। कभी गई कोख में मारी और कभी ससुराल। कभी गई कोख में मारी कभी ससुराल में मारी। ओ कभी गई कोख में मारी कभी ससुराल में मारी। कभी गई कोख में मारी अरे कभी ससुराल में मारी। यहीं पर कार्यक्रम को विराम इस आशा और विश्वास के साथ दे रहा हूं कि ज्यादा बोलने वालों से तमाम शब्द ऐसे भी निकल जाते हैं जो आप लोगों को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए वक्ता से श्रोता ज्यादा महान माने जाते हैं। वक्ता तो वक्ता रहता है लेकिन श्रोता इसलिए महान है कि वक्ता की जो बात अच्छी लगती है उसे ग्रहण कर लेते हैं और जो अच्छी नहीं लगती उसे धीरे से निकाल देते हैं। इसीलिए वक्ता से श्रोता अधिक महान माने जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भी मुख से कई शब्द ऐसे निकल चुके होंगे रात भर में जो आप लोगों को अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन आप लोग अच्छे इसलिए हैं कि हमारे जो शब्द अच्छे नहीं लगे उनको आप लोग क्षमा कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अच्छाइयां तो कोई है नहीं जिनके लिए हम आपसे प्रशंसा की उम्मीद करें, कमियों के लिए जरूर आपसे क्षमा चाहता हूं। और शिव सेवा मंडल के सभी सदस्यों की तरफ से मैं भगवान भोलेनाथ से और श्री बजरंगबली बाबा से बस इतना कह रहा हूं कि तुम करते हो मेरे बाबा तुम करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। तुम करते हो मेरे बाबा बाबा
करते हो मेरे बाबा, अरे मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, अरे सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और बिन मांगे बाबा तुमसे, अरे हर चीज मिल रही है। ओ अब क्या बताऊं बाबा, अब क्या बताऊं बाबा, अब क्या बताऊं बाबा, अरे आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। और जो भी गलतियां हो गई हो उनके लिए क्षमा मांगते हुए सम्मानित श्री मधु श्रीवास्तव जी कमेटी के सभी सदस्यों से और अपनी बिटिया से भी मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो भी गलतियां हो गई उनको क्षमा करते हुए, कि नतमस्तक सबके आगे ये रति राम हो रहा है, नतमस्तक सबके आगे ये रति राम हो रहा है, क्योंकि अब आज का खत्म ये प्रोग्राम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। अरे प्रसाद का अब शायद इंतजाम हो रहा है, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।